दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को आतंकी हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त नाका पार्टी पर किए गए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक ऑडियो मैसेज जारी किया गया है, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी ने अपने हैंडलर के साथ बातचीत की है। बता दें कि इस हमले में CRPF का एक असिस्ट सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार शहीद हो गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल 1:36 का ये ऑडियो संदेश कश्मीरी भाषा में है, जिसमें हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी अपने हैंडलर से कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक हैं आप? आपसे राब्ता उस समय नहीं कायम करने का मौका मिल पाया, क्योंकि उस समय हालात खराब थे। हमने जिस जगह की रैकी की थी, जब हम कल वहां पहुंचे तो वो सुरक्षा बल वहां पर नहीं थे, उससे थोड़ी दूर खड़े हुए थे। ऑडियो में आगे कहा जाता है कि फिर हमें बगीचों के बीच गुजरते हुए वहां तक जाना पड़ा। बगीचों में घास काफी थी, जिसकी मदद से हम उनके नजदीक तक पहुंच पाए। यहां 4 आदमी थे, एक खड़ा था जबकि बाकी नीचे बैठे थे। मैंने उन पर फायर कर दी, एक शख्स नीचे गिर गया जबकि बाकियों ने भागने की कोशिश की। हमने उन पर भी फायरिंग की, करीब 10-15 मिनट के दौरान 2-3 मैगजीन खाली कर दिए। ऑडियो में आतंकवादी आगे ये कह रहा है, हमें ये नहीं पता चल पाया कि उनका कितना नुकसान हुआ है। अलबत्ता वहां से भागते समय हमने ये कोशिश की थी, लेकिन उसमें उस समय हमें लगा कि हम खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए हम वहां से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। हम सुरक्षित पहुंचे, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।